सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एवर ब्लॉग्स में। मेरा नाम है अमर सिंह और आज का मैं ब्लॉग लेके आया हूँ वेस्ट टू वंडर का। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ वेस्ट टू वंडर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो नियरेस्ट मेट्रो है वो आपको सराय कालेखा पड़ेगा। आप इजिली सराय कालेखा मेट्रो से वहाँ पर जा सकते हैं। वो वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पे है। अगर आप वहाँ से ऑटो करके जाना चाहते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे ऑटो की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। गाइस, वीडियो में कीजिए कंटिन्यू, मिलते हैं आगे वीडियो में। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंट्री टिकट बाय कर ली है, जिसकी जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप लोग संडे वाले दिन आते हो तो संडे को इसका जो प्राइस होता है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे अंदर एंट्री कर लिया और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो गाइज़, अब मैं यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी रेप्लिकास बने हुए हैं 7 वंडर्स के, वो सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। एंड गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने गीजा पिरामिड है, ये भी वेस्ट मटेरियल का पूरा बना हुआ है। और जो इसकी रियल लोकेशन है वो मिस्र में है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रेप्लिका की ओर बढ़ेंगे। सो गाइस, अब हमारे सामने है पीसा का लीनिंग टावर, उसका रेप्लिका आप सामने देख सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद जो हमारी लोकेशन है वो है पेरिस का एफिल टावर, जो कि जस्ट इसके सामने है। आप यहां देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसी की तरफ जाएंगे। तो गाइस, आपको घर बैठे एफिल टावर का व्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट रेप्लिका की ओर आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वंडर है वो है वर्ल्ड के सबसे बड़े एंटी थिएटर कोलोसियम का रेप्लिका, जो कि आप वीडियो में सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम जाएंगे ताजमहल। सामने आपको जो ये वे दिखाई दे रहा है, ये आपको ताजमहल के रेप्लिका तक लेके जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैंने आपको ताजमहल दिखा दिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में है, उसके रेप्लिका की ओर। एंड गाइस, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर, जो कि यूएस में लोकेटेड है।
और दोस्तों अगर आपको कुछ यहाँ पे खाना हो तो यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, इसी के अंदर ही इनबिल्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी आके खा सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये था पूरा व्लॉग वेस्ट टू वंडर का। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दबाइएगा बेल आइकन को ताकि आप मेरा कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। तो गाइस जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह के एक शानदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।